आज हमारे देश के लोगों में काफ़ी पैनिक की स्थिति बन गई है। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, नॉर्मल सर्दी जुखाम से भी घबरा रहे हैं, बार बार पूछते हैं कहीं मुझे कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं हूँ, मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, कोविड-19 डिसीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे। ये काफ़ी अधिकतर लोगों से पूछा जा रहा है और काफ़ी लोग परेशान भी हैं इस चीज़ से। यदि आपको नॉर्मल सर्दी जुखाम बुखार भी आ रहा है ना, तो भी आदमी डर रहा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं है। आज हम इसी को क्लियर करेंगे कि आपको किस स्थिति में आपके मरीज़ को या आपको एडमिट होना चाहिए, किस स्थिति में आपको कोरोना वायरस की स्थिति बन सकती है। यदि आपको नॉर्मल फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है या छींकों की प्रॉब्लम हो रही है, गले में मान लो दर्द भी हो रहा है, खराश भी हो रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको नॉर्मल वायरल फीवर हो। आप जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है उसमें सांस लेने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने के साथ साथ सूखी खांसी के साथ साथ सर्दी जुकाम, छींक लेने में प्रॉब्लम और गले में खराश की प्रॉब्लम और उसके साथ साथ फीवर आ रहा है ना, तो अवश्य डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कहें कि इनका SpO2 देखिए। यदि SpO2 92 या 90 से नीचे आता है, ये पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा देखा जाता है। ये एक छोटी मशीन होती है, ये पल्स ऑक्सीमीटर जिसे हम बोलते हैं, ये पल्स ऑक्सीमीटर में यदि SpO2 92 या 90 से नीचे आ रहा है, तो ये एक सीरियस केस हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आपका BP 90-60 या 90 से नीचे आ रहा है, तब भी आपकी स्थिति डेंजरस हो सकती है। तो आपको तुरंत पेशेंट को एडमिट करना चाहिए। जो भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल आप पेशेंट को एडमिट करें और सारे टेस्ट कराएं उसको। और ऐसा जो 60 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं, जिनको इनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिनको किसी ना किसी हार्ट डिसीज़, लीवर डिसीज़ या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको तो वैसे भी जागरूक रहना चाहिए और उनको समय समय पर BP और SpO2 चेक कराते रहना चाहिए, जिससे कि पता चलता रहे ये किसी वायरस से तो संक्रमित नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है आपको जागरूक रहना है और घर में रहना है। सबसे मेन चीज़ आपको घर में रहना है। यदि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको किसी वायरस से संक्रमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी के संपर्क में ही नहीं आएंगे तो आपको वायरस बिल्कुल भी नहीं छू सकता है। तो ये सारी बातें थी, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जो आपको पेशेंट है सर्दी जुकाम नॉर्मल, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, इसमें सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये नॉर्मल फ्लू में भी आती है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, BP ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा BP कम आ रहा है, तो बिल्कुल आप एडमिट हो जाइए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बस डरिए नहीं, क्योंकि डरने से कुछ भी नहीं होगा। हम सबको, भारतवासियों को, इस कोरोना वायरस से लड़ना होगा। बस डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।